फ्रेंड्स, रियलमी की तरफ से रियलमी आई 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया है। बहुत से डिवाइस के अंदर जो अपडेट है वो मिल भी गया है। रिसेंटली रियलमी 9 5G एंड रियलमी GT Neo 2 के अंदर अपडेट देखने को मिल गया है। और दोस्तों, आज भी बहुत से डिवाइस के अंदर जो है रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिला है। किस किस डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिला है वो भी बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, जहाँ पे आपको पता चलेगा किस किस डिवाइस के अंदर रियलमी की तरफ से रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट रोल आउट हुआ है आज के डेट में। साथ ही साथ और भी अपडेट न्यूज़ के बारे में आपको पता चलेगा आज के वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक कर रखना था कि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और देख लेते हैं रियलमी की तरफ से रोल आउट किया गया रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के अपडेट्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 5G से। दोस्तों, रियलमी 9 5G के अंदर जो है रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का अपडेट जो है वो आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4.0 का अपडेट हमारा आ गया है। यहाँ पे दोस्तों 4.0 का अपडेट हमने कल ही करा था, इसके अंदर 8.01 वर्जन हमें देखने को मिला था अपडेट। आप देख सकते हैं जो अपडेट है रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 ऑन रियलमी 9 5G आपको देखने को मिलता है 8.01। ये अभी ट्रायल वर्जन पे, इसके बाद इसके अंदर बीटा अपडेट आएगा, इसके बाद इसके अंदर स्टेबल अपडेट आएगा। बाय द वे, कितने लोगों को अपडेट देखने को मिला है 8.01 नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। इसके फीचर्स वीडियो, इसके रिव्यू वीडियो सब कुछ चैनल पर पोस्ट किया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करें रियलमी 9i 5G के बारे में। दोस्तों, रियलमी 9i 5G के अंदर रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो आज भी देखने को मिलता है। 3.04 जो वर्जन अपडेट है वो आपको देखने को मिलता है। आज भी बहुत से यूजर्स को देखने को मिला है, आपको मिला है या नहीं नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। बाय द वे, एक बात कहूँ आप लोग को, 9i 5G और 9 5G दोनों में ही स्टेबल अपडेट में भी और ट्रायल अपडेट में भी और बीटा अपडेट में भी रियलमी 4.0 का बहुत सारे फीचर्स जो है वो मिसिंग है। मतलब ऐप्स साइज़ जो है, मतलब ऐप्स फोल्डर जो साइज़ है जो आप रिसाइज़ कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रिसाइज़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो है वो अभी भी मिसिंग है रियलमी 9i 5G के अंदर स्टेबल अपडेट के बाद भी। तो ये हमें बहुत ही बुरा लगा। फ्रेंड्स, रियलमी GT Neo 2 के अंदर रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 का जो बीटा अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया है। एंड्रॉइड 13 और रियलमी 4.0 का जो बीटा अपडेट करा है उसके बाद कोई प्रॉब्लम अभी तक GT Neo 2 यूजर्स को देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही स्टेबल है अपडेट, कोई भी बैटरी ड्रेन इशू अभी तक नहीं आया, कोई भी हीटिंग इशू अभी तक नहीं आया। मतलब बीटा अपडेट बहुत अच्छा है रियलमी GT Neo 2 के अंदर। बट एक प्रॉब्लम जो है यूजर्स को फेस करना पड़ रहा है वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों GT Neo 2 के अंदर अगर आप बीटा अपडेट के लिए फॉर्म फिलअप करे हो तो आपको पता होगा, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो जो फॉर्म है वो अंडर रिव्यू चला गया है। बहुत यूजर्स का अपडेट देखने को नहीं मिला, अभी भी बीटा का जो फॉर्म है बीटा अपडेट का वो अंडर रिव्यू है। तो ये प्रॉब्लम GT Neo 2 यूजर्स के साथ हो रहा है। बट बहुत यूजर्स को जो है अपडेट मिल रहा है आज से ही, चेकआउट कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर आपको मिला या नहीं नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताना। तो यहाँ पे बात करें रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के स्टेबल अपडेट डिवाइस लिस्ट के बारे में। तो ये रहा वो डिवाइस लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 में रियलमी ने अपडेट रोल आउट करा है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बट इस लिस्ट अकॉर्डिंग सारे अपडेट कंप्लीट हो गया है। अभी भी एक डिवाइस के अंदर बाकी है जिसे कब जाके अपडेट देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कभी। ठीक है, बात करें GT 2 Pro के अंदर इस मंथ अपडेट देखने को मिला है सेकंड बैच अपडेट। साथ ही साथ रियलमी GT Neo 3 के अंदर भी इस मंथ सेकंड बैच अपडेट देखने को मिला है। साथ ही साथ रियलमी 9 Pro Plus के अंदर भी न्यू बैच अपडेट देखने को मिला है। 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के स्टेबल अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। साथ साथ रियलमी 9 प्रो के अंदर भी 4.0 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है। रियलमी 9i 5G के अंदर भी हमें 4.0 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है इस मंथ। बाकी है सिर्फ रियलमी GT Neo 3T, जिसके अंदर 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2023 के बीच में ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। आई थिंक कल ही अपडेट देखने को मिल जाए रियलमी की तरफ से इस डिवाइस के अंदर। अगर मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक कर करना है ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसी तरह के डिवाइसेस भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद हमें जो अपडेट है देखने को मिलेगा जनवरी 2023 में, वहां पे नया डिवाइस लिस्ट होगा, नए रूट में होंगे, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। मैं मिलता हूं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, बहुत सारे डिवाइस लिस्ट के साथ, बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ और अपडेट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए टाटा।